हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ प्रोफेसर डॉक्टर वसीम आय खान फ्रॉम श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी। आई वेलकम ऑल द व्यूअर्स टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फैमिली लॉ। सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट डील्स विद अ पारसी सक्सेशन। सो इन द प्रीवियस वीडियोज वी हैव डिस्कस द क्रिश्चियन सक्सेशन। यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। यू कैन सेलेक्ट द प्ले लिस्ट ऑफ फैमिली लॉ एंड वेर यू विल गेट द topic of Christian succession. So in this particular lecture we will discuss part first of Parsi succession, that is section 50 and 51 of Indian Succession Act 1925 we will discuss under this particular lecture. So without wasting your much time, let us proceed towards our topic. So rules of succession in case of Parsi. Suppose whenever the Parsi dies intestate, अगर पारसी की डेथ होती है, सो इन व्हाट मैनर हिज प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग हिज लीगल हेयर्स, तो उसके लीगल हेयर्स में उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इंटेस्टेड सक्सेशन, दैट इज डिस्कस अंडर सेक्शन 50। जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू इंटेस्टेड सक्सेशन। सो फॉर द पर्पज ऑफ इंटेस्टेड सक्सेशन अमॉन्ग पारसीज, there is no distinction between those who were actually born in the lifetime of a person deceased and those who conceived in the womb. So whenever the property of any Parsi is to be distributed among his legal heirs, then there will be no difference between the two persons, one who is actually born in the lifetime of intestate and another who is in the womb of mother at the time of intestate death. जब कभी भी प्रॉपर्टी किसी पारसी की हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दो पर्सन में डिफरेंस नहीं रहेगा। एक ऐसा पर्सन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त दो पर्सन में डिफरेंस नहीं रहेगा, एक पर्सन जो उस पारसी की डेथ के वक्त एक्चुअली एग्जिस्टेंस में था, मतलब वो अलाइव था, वो जिंदा था, एक्चुअली लाइफ टाइम उसके था वो, और दूसरा पारसी की डेथ के वक्त ही वॉज इन द वूम ऑफ मदर, वो मां के वूम में था। सो there is no difference between these two. Suppose if the Parsi dies intestate, leaving behind one son, and if another son is in the womb of mother at the time of death of intestate, then the property will be distributed between these two persons, one who is actually in the world and another one who is in the womb of mother. Dono mein equally property distribute hogi. एक जो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है और दूसरा इन द वूम ऑफ मदर है, दोनों में प्रॉपर्टी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू पर्सन, एक्चुअल एग्जिस्टेंस में और मां के वूम में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। दैट इज जनरल रूल। देन अ लीनियल डिसेंडेंट ऑफ एन इंटेस्टेट हु हैज डाइड इन द लाइफ टाइम ऑफ इंटेस्टेट विदाउट लीविंग अ विडो और विडोवर और एनी लीनियल डिसेंडेंट और widow or widower of any lineal descendant shall not take into account in determining the manner in which the property of which the intestate has died intestate shall be divided. Suppose if any Parsi dies intestate and in the lifetime of a Parsi, if his any son dies, matlab Parsi ki death hui aur jab Parsi zinda tha tabhi uske ek aadhe ladke ki death hoge wali rahegi aur वो लड़के की ना तो विडो उसने पीछे छोड़ा ना तो उसके कोई बच्चे हैं, तो उस सिचुएशन में जब कभी भी पारसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ऐसा बच्चा जो इसकी पहले डेथ होने वाली है और ना तो उसकी विडो है ना तो उसके बच्चे हैं, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा सक्सेशन में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक पारसी के तीन लड़के थे, पारसी की डेथ होगी लेकिन एक लड़के की पारसी के लाइफ टाइम में ही डेथ हो गई भी है और ना तो उसकी वाइफ है ना तो उसके बच्चे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो लड़का था जिसकी डेथ हो गई उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी बच्चे वाले दो लड़कों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो दैट इज अ सेकंड जनरल रूल मेंशन अंडर सेक्शन 50। नाउ द थर्ड वन इज वेयर अ विडो और विडोवर ऑफ एनी रिलेटिव ऑफ एन इंटेस्टेड हैज मैरिड अगेन इन द लाइफ टाइम ऑफ द इंटेस्टेड,
Such widow or widower shall not be entitled to receive any share of property of which the intestate has died intestate, and such widow or widower shall be deemed not to be existing at the instated date. Another thing is that, suppose if any child predeceases to the intestate, and if that particular child left a widow, but if that widow remarries in the lifetime of intestate, then such widow will not be considered for a succession. वो widow को consider नहीं किया जाएगा. That widow is considered as she is not in existence at the time of intestate death. For example, के suppose एकादे पारसी की death होती है, जैसा हमने पहला example discuss किया था कि तीन लड़के थे उसको, एक लड़के की पारसी के lifetime में ही death हो गई, लेकिन उसकी widow थी. और वो widow ने जब पारसी जिंदा था तभी वो उसके लड़के के विडो ने दूसरी मैरिज कर ली, दूसरी शादी कर ली फॉर एग्जांपल. तो जैसा दूसरी उसने मैरिज की, अब अगर पारसी की डेथ होती है तो वो विडो को सक्सेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा. ऐसा ट्रीट होगा कि जब पारसी की डेथ हुई तो विडो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी. ये दोनों लड़कों को प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी. तो दैट इज अ थर्ड प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 50. ये सेक्शन 50 का तीसरा प्रिंसिपल था. अब हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, वो सेक्शन 51 है. डिवीजन ऑफ इंटेस्टेट्स प्रॉपर्टी अमॉन्ग विडो, विडोवर, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. सपोज इफ एनी पार्सी डाइज इंटेस्टेट, लीविंग बिहाइंड अ विडो और विडोवर, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. अगर एक पारसी की डेथ होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल वो मेल है, मेल की अगर डेथ होती है और उसने उसकी विडो पीछे छोड़ा है, बच्चे है, पेरेंट्स है, तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी. अगर फीमेल की डेथ होती है तो उसका विडोवर है, पेरेंट्स है और बच्चे है, तो इन व्हाट मैनर प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज डिस्कस अंडर सेक्शन 51. ये 51 में डिस्कस किए हुआ है. सो वेयर सच पार्सी डाइज लिविंग अ विडो और विडोवर एंड चिल्ड्रन, द विडो और विडोवर एंड ईच चाइल्ड रिसीव अ इक्वल शेयर. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, suppose if any parsee dies leaving behind a widow or widower and his children, then whatever the property parsee was having, that property will be equally distributed amongst the widow and children, amongst the widower and children. to agar property sirf humko distribute karna hai widow mein aur bachcho mein, to widow aur bachcho mein property equally distribute hongi. yahan par abhi parents ki baat nahi ho rahi hai. property agar bachcho mein और विडो या विडोवर में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने की है तो उनमें इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी. दूसरा, वेयर सच पारसी डाइज लिविंग चिल्ड्रन बट नो विडो और विडोवर अमंग द चिल्ड्रन इन इक्वल शेयर. दूसरा भी ये बोलता है कि अगर पारसी की डेथ होती है बट ही लेफ्ट नो विडो, बट उसकी विडो नहीं है, बट ओनली चिल्ड्रन आर देयर, देन हिज प्रॉपर्टी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज चिल्ड्रन. पारसी की डेथ हो गई, उसकी विडो नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं, तो पारसी की प्रॉपर्टी उसके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. ये दूसरा एग्जांपल है. थर्ड वन इज, वेयर अ पारसी डाइज लीविंग वन और बोथ पेरेंट्स इन एडिशन टू चिल्ड्रन और विडो और विडोवर एंड चिल्ड्रन, द प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच सच पारसी डाइज इंटेस्टेट शैल बी सो डिवाइडेड दैट द पेरेंट और ईच ऑफ द पेरेंट शैल रिसीव अ शेयर इक्वल टू हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड. सपोज इफ द पारसी डाइज लीविंग बिहाइंड अ विडो, हिज चिल्ड्रन एज वेल एज द पेरेंट्स, फादर एंड मदर. पारसी की डेथ होगी, उसने पीछे क्या छोड़ा, उसकी विडो भी है, उसके बच्चे भी है, पेरेंट्स भी है. अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस पेरेंट विल गेट हाफ एज द शेयर ऑफ सन एंड विडो. तो पेरेंट्स को कितना मिलेगा, हाफ. फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर जो है कि अगर चिल्ड्रंस को दो लड़के है और विडो है, अगर तीनों को फॉर एग्जाम्पल 10-10 रुपए मिल रहे हैं तो फादर को 5 और मदर को 5, जितना शेयर सन को और विडो को मिल रहा है उससे हाफ शेयर पेरेंट्स को मिलेगा. तो दैट इज अ थर्ड थिंग. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विथ एन एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे इसको. तो ये पहला था कि अगर पारसी की डेथ होती है, इफ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो एंड चिल्ड्रंस, तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी. सपोज इफ दिस इज अ पर्टिकुलर पर्सन डाइज इंटेस्टेट एंड देर आर अ चिल्ड्रंस एंड विडो. अब यहां पर पारसी की डेथ हो गई, विडो भी है, बच्चे भी है,
तो प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. विडो विल गेट 1/4, फर्स्ट डॉटर विल गेट 1/4, सन विल गेट 1/4 एंड डॉटर विल गेट 1/4. सो वट एवर द प्रॉपर्टी पार्सी इज हैविंग, दैट प्रॉपर्टी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द विडो एंड हिज चिल्ड्रन. विडो तो उसके चिल्ड्रन में और विडो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. ये पहला पार्ट था जो हमने डिस्कस किया. तो ये था कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये अगर प्रॉपर्टी है तो 25 25 25 रुपीज चारों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी प्रॉपर्टी. अब दूसरा एग्जाम्पल था, अगर पारसी की डेथ होती है एंड ही लेफ्ट नो विडो बट ओनली चिल्ड्रंस, देन प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन डाइज लिविंग बिहाइंड, सॉरी विडो, और हमने देखा था कि अगर ये सपोज वुमन की डेथ हो गई यहां पर, तो विडोवर विडोवर का सेम राइट हमने देखा था. ये वुमन की डेथ हो गई है और अगर उसकी उसका विडोवर है और बच्चे है, तो यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी विडोवर को 1/4, डॉटर को 1/4, सन को 1/4 और डॉटर को 1/4, मतलब 25-25 रुपए चारों में जाएगी. तो विडोवर को और विडो को शेयर एक जैसा ही मिलेगा. अब दूसरा हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, अगर पारसी की डेथ होती है, विडो नहीं है, सिर्फ चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी प्रॉपर्टी. ये था पारसी डाइज इंटेस्टेड लिविंग बिहाइंड ओनली चिल्ड्रंस एंड देयर इज नो विडो, सिर्फ बच्चे ही है, दो डॉटर एक सन है, प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? प्रॉपर्टी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रन, डॉटर को 1/3, सन को 1/3, दूसरी डॉटर को 1/3, जितनी प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही, 33 रुपए 33 पैसे तीनों को इक्वल शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉपर्टी. सो द प्रॉपर्टी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रन इफ देयर इज नो विडो. विडो रही तो विडो के साथ बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, विडो नहीं है तो बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर विडो बच्चों के साथ अगर पेरेंट्स थे तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अब एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं. तो फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर पारसी डाइज इंटरेस्टेड लिविंग बिहाइंड अ चिल्ड्रंस एज वेल एज विडो एंड फादर एंड मदर. अब यहां पर पारसी को विडो भी है, बच्चे भी है, फादर और मदर भी है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कैसी होगी? सो ये दोनों को 1/10 1/10 मिल जाएगा, 1/5 1/5 1/5 1/5, मतलब जितना शेयर सन डॉटर और विडो को मिल रहा है उससे आधा शेयर फादर और मदर को मिलेगा. यहां 1/5 मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 रुपये प्रॉपर्टी है, हम एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस करते हैं, 100 रुपये प्रॉपर्टी है तो 20 20 रुपये डॉटर और सन को मिलेंगे, 20 रुपये विडो को मिलेंगे और 10 10 रुपये फादर और मदर को मिलेंगे. जितना शेयर विडो और सन को डॉटर को मिल रहा है उससे हाफ फादर और मदर को शेयर मिलेगा. सो दिस इज अ पर्टिकुलर शेयर ऑफ चिल्ड्रंस विडो एंड फादर एंड मदर अंडर सेक्शन 51. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.